देखो मैं पहले ही बोल दूं कि मैं यहाँ पर शाओमी का बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार गलती से, ठीक है, किसी शुभ मुहूर्त में शाओमी एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है जिसका वैल्यू आज 2022 में भी दिख रहा है। मतलब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे एक फ़ोन चाहिए था अंडर 15,000 एंड आई वॉज सुपर कन्फ्यूज इस प्राइस रेंज में। सेकेंड हैंड नहीं, न्यू फ़ोन मुझे लेना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब मेरे दिमाग में सबसे पहला आया था आईक्यू का एकदम लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है आईक्यू का Z6। बट प्रॉब्लम यह है कि इस फ़ोन में जायरो नहीं है, ढंग का कैमरा नहीं है, इसमें वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है, एक IPS डिस्प्ले, एंड यार इस प्राइस पॉइंट में आजकल बहुत सारी कंपनी आपको जो है एमुलेट प्रोवाइड कर रही है। तो फिर मैं सोचा कि यार आईक्यू, आई डू एग्री उसमें 695 एक बहुत अच्छा चिपसेट है, बट फिर भी मैं सोचा कि यार 695, अरे यार कितना ही बेटर परफॉर्मेंस दे देगा, स्टिल अ मिड फ्लैगशिप फोन विल बी अ मिड फ्लैगशिप। सो ओवरऑल डिवाइस मुझे एक पर्सनल चाहिए था, एंड तब मेरे बहुत रिसर्च करने पे, जब मैंने बहुत सारे कंपैरिजन देखे, एंड एट द एंड मैं जाके एक प्रोडक्ट पे स्टक हुआ जिसका नाम है रेडमी नोट 10 प्रो। आई नो दोस्तों ये प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका निकले, एग्जैक्ट 1 साल हो चुका है, लास्ट ईयर मार्च में ही ये फोन लॉन्च हुआ था, और आज तुम्हारा भाई पूरे 1 साल बाद इस फोन को वापस परचेस कर रहा है, बिकॉज इस फोन ने मुझे मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्पेक्स लाया था जो मैं आज भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं जो मैंने एकदम ही फ्रेश अमेजोन से मंगाया है। अब दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं अमेजोन के पैकेजिंग से। देखो मैंने मार्शल आर्ट की बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना उंगली से मैं इसके पैकेजिंग को फाड़ सकता हूँ, इतनी पावर मेरे पास है। अब देखो यहाँ से अंदर बक्सा निकालो तो कैंची की मदद से, ठीक है, इसको मैं सील काट लेता हूँ। आप पूछोगे भाई इसको क्यों नहीं उंगली से काटा, तो कोर्स चालू है अभी भी मेरा, ठीक है। तो क्विकली मैं अंदर से बॉक्स निकाल दूँ, बिल देख सकते हो एकदम लेटेस्ट, एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे 16,000 का गिरा है। बाय द वे जो कलर है विंटेज ब्रॉन्ज, ठीक है, बहुत ही अजीब सा नाम है भाई। दोस्तों यहाँ पर आजू बाजू सील देखने को मिल जाता है, कैंची की मदद से सील को मैं फटाक से काट लेता हूँ। और दोस्तों बक्से के अंदर जो है आपको जो है TPU कवर और अपना कुछ मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं। TPU कवर में बाद में आते हैं, मैं पहले फ़ोन को निकालूँ तो फ़ोन भी फिलहाल बहुत अच्छे से पैक्ड है, तो उसको भी ज़रा हटा देता हूँ। एंड उस फोन के नीचे आपको जो है एक चार्जर देखने को मिल जाता है। सो या ये 33 वॉट का एक चार्जर है और अपने को अपना Type-C to USB देखने को मिल जाता है। क्विकली फ़ोन को हाथ में उठा लेते हैं यहाँ पर, एंड फ़ोन के रैपर को निकाल दूँ तो यस, इसका कलर जो है काफ़ी काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देखो दोस्तों सामने की तरफ आपको जो है एक 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 स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि टेम्पररी पर्पज़ के लिए अच्छा है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें दोस्तों तो ऊपर की तरफ आपको जो है एक अपना 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, एक अपना IR ब्लास्टर और एक माइक देखने को मिल जाता है। तो राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको पावर बटन, ठीक है, और वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है। बॉटम में दोस्तों आपको जो है अगेन एक माइक और एक Type-C मतलब बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड लेफ्ट में दोस्तों आपको जो है एक सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। अब मैं ज़रा सिम ट्रे को निकाल के दिखा दूँ तो ये एक, तो यहाँ पर आपको बेसिकली सेपरेट 2 SIM कार्ड और एक microSD कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। अब दोस्तों इसमें अगर मैं इस TPU कवर की फिटिंग दिखा दूँ तो काफ़ी बेहतरीन है, अगेन टेम्पररी पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो क्विकली मैं फ़ोन को बूट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको जो है काफ़ी सारे ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं इस डिवाइस में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, अमेज़ॉन ये सब, तो ये सारी चीज़ें जो है अनइंस्टॉलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में चले जाऊँ अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो 128GB में से 16GB जो है ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सो या एंड यहाँ पर अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूँ तो इसमें आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे फील हुआ। तो मैंने अपडेट का चेक किया कि इनकेस कोई अपडेट अगर में अगर एंड्रॉइड 12 आया हो, तो नहीं आया अभी तक एंड्रॉइड 12 इस डिवाइस में, एक बस सिक्योरिटी का अपडेट आया है उनको छोटे मोटे बग्स के साथ, बग्स फिक्स के साथ बेसिकली। एक चीज़ दोस्तों इतनी कमाल की है ना इस रेडमी के फ़ोन में, लाइक अप्रिशिएट बिकॉज यार ग्लास बॉडी के साथ आता है, इस प्राइस पॉइंट में भाई ग्लास देता कौन है, मतलब जो एमुलेट देता ना भाई वो ग्लास नहीं देता, ऊपर से ये फोन 120 हर्ट्ज एमुलेट के साथ आपको एक बेहतरीन ग्लास बिल्ड दे रहा है। फ्रंट में दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो बिल्ट एंड डिज़ाइन में आई रियली अप्रिशिएट, हालांकि इसका जो साइड के जो फ्रेम है बेसिकली ये एक प्लास्टिक है, बट इस प्राइस पॉइंट में अगर मुझे ग्लास मिलता है तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, बिकॉज ग्लास में आप जानते हो स्क्रैचेस इतने हाईलाइट नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात। दोस्तों एक कमी इस डिवाइस में है जो आने वाले टाइम पे इस फोन की जो रीसेल वैल्यू है उसको काफी ज्यादा गिराने वाला है, वो है इसमें 5G का ना होना। 4G डिवाइस है और आजकल एयरटेल भी काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है 5G का, तो बहुत ही जल्दी शायद हमें 5G देखने को मिल सकता है, ठीक है।
अभी ऐसा एजम्पशन कर रहा हूँ मैं, अब ये कब मिलेगा भाई, दिखाते तो बहुत कुछ है लेकिन मालूम मिलता है, मालूम पड़ा 2 साल बाद। बट यस, अगर टेस्टिंग चालू है बहुत जोरों शोरों से तो एयरटेल बहुत ही जल्दी 5G ला सकता है इंडिया में, तो उस टाइम पे इस फ़ोन की रीसेल वैल्यू आई फील इम्पैक्ट करेगा। तो ये सोच के अगर आप ये फ़ोन परचेस कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि बेचने जाओगे तो इसकी वैल्यू शायद आपको हाफ मिल सकती है। रिचार्ज का भाव सुन के तो मुंह निकल जाए। इंडियंस को ऑलवेज यू नो एडवांस चीजें ज्यादा पसंद है, स्टूडेंट को टीचर। वेल, डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो देखो ज्यादा बोलना नहीं है, ये एक 6.67 इंच का फुल HD 120 हर्ट्ज के साथ एक एस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग है। एक चीज जो इस फोन में आपको शायद थोड़ा सा तकलीफ दे सके वो इसका कैमरा बम्प है। ऑल्दो इसके साथ जो आपको TPU मिलता है वो एकदम बम्प को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन आपके बम्प को नहीं आ बम्प को, ठीक है। सो यार, ये शायद आपको थोड़ा सा देखभाल करनी पड़ेगी। और इसी से दोस्तों कैमरा सेटअप की बात कर लो तो इसमें आपको सैमसंग का 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 5 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको जो है सुपर माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। तो काफी प्रॉमिसिंग यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। एंड क्वालिटी के बारे में हम जब अगर आपको रिव्यू चाहिए रहेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर कुछ सैंपल्स देख सकते हो, इसी फोन से निकाले गए हैं। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, बहुत बुरा नहीं बोलूंगा यार, इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर लोग महंगा फ़ोन खरीदेंगे ही क्यों। एंड यस, फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो Xiaomi ने कभी भी यहाँ पर इतना खास ध्यान दिया नहीं है, ठीक है। और वो जो ट्रेंडिंग है ना, वो ट्रेंड इसको इस फोन में भी रखा गया है, मतलब फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का भले ही मिलता है बट क्वालिटी इसकी बहुत ही डिसेंट है, मतलब सोशल नेटवर्किंग के लिए सही है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा आपको सेल्फी देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर उसको मैं स्ट्रेट अवे कंपेयर करूँ इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि रियलमी के फोन में आपको थोड़े से बेटर सेल्फी देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो सेम अपने को MIUI मिल जाता है, ठीक है, 12.5.10 का। एंड ये फोन जो है करंटली एंड्रॉइड 11 पे वर्क कर रहा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ मैं इस डिवाइस से, मैं सच बताऊं तो Xiaomi के फोन अगर आप लेते हो ना, सबसे पहले ना भाई इसको रूट मार के ना इसमें कस्टम रोम डाल दो, सीरियसली बता रहा हूँ, फोन का परफॉर्मेंस 2x बढ़ जाता है। अभी तो नहीं मारूंगा, एकदम ही लेटेस्ट पीस है, वारंटी चले जाएगी, बट डेफिनेटली मैं इसको रूट मारने वाला हूँ। मतलब ये जो Redmi Note 10 Pro की बात करो तो ये एक बजट सेगमेंट डिवाइस है और इस पे इतना पावरफुल चिप होता नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है परफॉर्मेंस में लेटर ऑन। देखो प्रोसेसर में यहाँ पर आपको एक ऑलराउंडर चैंपियन प्रोसेसर मैं बोल सकता हूँ, 732G, तो मतलब एकदम डिसेंट गेमिंग करवाएगा। एंड प्लस यहाँ पर आपका जो डेली यूजेस है, मतलब नॉर्मल स्क्रोलिंग हो गया, ठीक है, एंड जो आपके ऐप ऑप्टिमाइजेशन हो गए या फिर आप MIUI में स्क्रोलिंग हो गया, डायलर्स हो गए, कैमरा ऑपरेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इजीली करवा देगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा शटर दिखेगा नहीं। बट हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि MIUI वाले का प्रॉब्लम होता है, इन लोग टाइम के साथ प्रोसेसर को भी वीक कर देते हैं, ऐसा समझ लो। प्रोसेसर उतना कैपेबल होता है लेकिन इन लोग प्रोसेसर के ऊपर अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा यू नो एनिमेशन को डाल देते हैं, जिसकी वजह से बाद में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दिक्कत देखने को मिलता है। ऊपर से इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली इस फोन में ऑलरेडी जो है 720G के ऊपर इतने छोटी उम्र में काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। देखो यहाँ पर आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, मतलब 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, पेयर विद 33W फास्ट चार्जर इन बॉक्स, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपको Xiaomi का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है इस पॉइंट पे मैं बता सकता हूँ, मैंने यूज़ किया पर्सनली। तो लोग कुछ लोग बुराई करते हैं लेकिन यार जो चीज़ अच्छा है वो अच्छा ही है, ठीक है। सो Xiaomi यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बेहतर करता है, सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे पॉइंट्स से जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रीज़न टू परचेस Redmi Note 10 Pro, सबसे पहला रीज़न दोस्तों कि इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल के काफ़ी लेटेस्ट फोन भी आपको देखने को नहीं मिल रहे। दूसरा रीज़न दोस्तों, ये एक एमुलेट डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज पैनल के साथ, अगेन ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। HDR कंटेंट सपोर्ट करता है और दोस्तों यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस भी 1200 nits तक का देखने को मिल जाता है, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो स्नैपड्रैगन 732G है, ये भी एक बेहतरीन प्रोसेसर है। आई नो आप में से कई सारे लोग कमेंट करके, अरे भाई तुझे क्या पता 695 ऑलरेडी बहुत सारे फोन में मिल रहा है जो बेटर एंटीट्यूड स्कोर प्रेजेंट करता है, एंड यस आई डू एग्री विद यू गाइस, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन की, मतलब एक बहुत ही अच्छे एमुलेट यू नो एस एमुलेट 120 हर्ट्ज पैनल के साथ एक 732G एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से लेके आता है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर मैं और भी प्लस पॉइंट की बात करूँ तो सारे लेटेस्ट हार्डवेयर तो इसमें है ही, जैसे 4G को छोड़ के, मतलब डुअल बैंड वाईफाई एंड ये सारी चीज़ें, लेटेस्ट ब्लूटूथ सपोर्ट सब कुछ। अच्छी चीज़ जो है ना भाई वो इसके स्पीकर से माइक गॉड, मैं आपको इतना बता दूं कि इसको मैंने कंपेयर किया था मेरे IQ के 9 से, IQ 9 जो मेरे पास है लगभग 43,000 का फ़ोन है
उससे वे बेटर स्पीकर, आउट स्पीकर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, 50-50 का रेशियो है। ऐसा नहीं कि इसके जहाँ से अपन बात करते हैं ना हेडफोन, वहाँ से आवाज़ आता है, नहीं, ऊपर की तरफ आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है सेपरेट टॉप पे, और एक सेपरेट नीचे बॉटम पे मिल जाता है। एंड जो बीट्स आते हैं ना, माय गॉड दिस इज अमेजिंग। मतलब अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज वाला फ़ोन चाहिए, मतलब आपको फ्लैगशिप फीचर्स डेमो वर्जन में चाहिए, मतलब मिनी वर्जन में चाहिए, लॉजिक समझ रहे हो, एकदम फ्लैगशिप फीचर्स मिनी वर्जन में चाहिए, तो ये वो फ़ोन है, समझ रहे हो। आपको 50,000 के सारे थोड़े 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 गुण जो है ना इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यस, यहाँ पर आपको जो है आयर ब्लास्टर मिल ही जाता, तो मॉल में जाके टीवी में जो चैनल देखना है लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि यार ये जो फ़ोन है रेडमी का नोट 10 प्रो किन यूजर्स के लिए है, ठीक है। देखो ये एक डेफिनेटली गेमर्स के लिए नहीं है, हालांकि ये थोड़ा बहुत गेमिंग करवा देगा, कैमरा यूज़र के लिए नहीं है, लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत कैमरा करवा देगा, पर जो ये चीज़ एक्सीलेंट करवाएगा वो है इसका डिस्प्ले, इसका एंटरटेनमेंट, स्पीकर्स आउटपुट, ठीक है, हेडफोन जैक, जो एक स्मार्टफोन में, एक बजट स्मार्टफोन में होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, बिकॉज जब बंदा बजट स्मार्टफोन खरीदता है तो उसको सब कुछ मिलना चाहिए, भले ही उसमें स्पेक्स थोड़े बहुत कम हो। एंड आई नो ये गेमिंग चैनल पे, मतलब थोड़े से गेमिंग कंटेंट में मैंने ये कहाँ से घुसा दिया, तो यार देखो कभी कभार थोड़े बहुत माँ बाप की भी सोचनी चाहिए ना हमें, क्या हम अपने खुद का सोचेंगे तो खुद गस बन जाएंगे यार। सो यार सब्सक्राइब मार दो, अभी क्या है, अभी नेक्स्ट अब दादाजी के लिए फ़ोन लेके आऊँगा एकदम मस्त, अपना आईफोन SE 3। हेलो पुलिस, अरे मेरे व्यूअर सब्सक्राइब नहीं मारते यार।